अपर्णा जी आप बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है आपका इस शो में, थोड़ा कुछ आप बताइए। तो मेरा कैरेक्टर है एक बहुत ही नर्चरिंग माँ का, एंड आई फील आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं सारी लव स्टोरीज की है मैंने, बट अगर देखा जाए तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, आई थिंक हम सब अग्री करेंगे, जो सबसे ज़्यादा डेप्थ वाली लव स्टोरी होती है वो एक्चुअली एक माँ का प्यार ही होता है। आई थिंक एक माँ का प्यार इज़ द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो मेरा ये कैरेक्टर मेरे लिए प्ले करना बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैंने कभी एक मॉम का किरदार ऑन स्क्रीन नहीं निभाया है, और ये शो स्टार्ट ही उससे होता है, और आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था ये, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कोई जैसे कोई शो ऑफर होता है आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको मॉम प्ले करना है, तो हमारा फर्स्ट एज एन एक्टर यू नो यू हैव 10,000 थिंग्स इन योर हेड। बट जब मैंने ये स्टोरी सुनी एंड मुझे लगा कि हमेशा मैंने एक तरीके की लव स्टोरी प्ले की है स्क्रीन पर, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत ही मैच्योर स्टोरी है, बहुत ही सिचुएशनल स्टोरी है। अगर सच में किसी की लाइफ में ऐसा हो जाए, मतलब ये ट्रॉमा से गुजरती हुई एक माँ है जिससे अगर उसका बच्चा छिन जाए तो क्या होता है, आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसके लिए अग्री की हूँ। और मुझे जितना भी अभी तक हमने सीन्स शूट भी किए, आई थिंक बहुत ही रिलेटेबल है। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ। हाँ, वर्किंग वर्किंग जी जी। जी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने मोस्टली जितने शोज़ किए, आई मीन आई बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, तो मैंने जितने शोज़ किए हैं वो एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है मोस्टली। व्हाई आई सेड यस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लोग, लाइक एवरी पर्सन विल बी एबल टू रिलेट, इट्स अ फैमिली शो, तो हर घर में हर माँ इससे रिलेट कर पाएगी, हर बच्चा इससे रिलेट कर पाएगा, हर फैमिली से रिलेट कर पाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो कि हम सब ने फील किया। आई मीन हमारा जो कनेक्शन अपनी मदर्स के साथ है वो हम सब फील करते हैं, और वो जो एक इमोशन है कि अगर आपका बच्चा आपसे छिन जाए बचपन में, या एक बच्चे से उसकी माँ उसने कभी देखी नहीं है, वो प्यार उसने कभी फील नहीं किया, तो वो जो एक फर्स्ट इमोशन है फैमिली के पास जब वो आती है, अपनी माँ के पास जब वो आती है, तो आई थिंक सब लोग रिलेट कर पाएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि एक ऐसे इमोशन है जो सब लोग कनेक्ट करेंगे, और 100% इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हिट शो। आप बताना चाहिए आपका। हेलो, तो मेरा करेक्टर ये है कि तुलसी एक सयानी लड़की है जो कि कभी डरती नहीं है और उसकी माँ नहीं है। तो मेरा रियल नेम है हरीति जोशी और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, मैं 9 साल की हूँ। तुलसी किस तरीके का कैरेक्टर होगा आपका, लाइक जैसे बचपन में हम बहुत ज़्यादा बचपना करते हैं, तो लाइक कितना आप गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा चंचल हैं क्या? मतलब मैं कभी खुश रहती हूँ, मैं कभी इमोशनल भी होती हूँ, मतलब सब कुछ, डरती भी नहीं हूँ मैं, और टाइम आने पे मैं लड़ भी लेती हूँ। तुलसी कितनी बड़ी सयानी निकलेगी इसमें, मतलब सयानी कितनी? बहुत। तुलसी के साथ ही निकले दो जो? मेरी दो फैमिली है, एक फैमिली से मैं बिछड़ चुकी हूँ और ये मेरी दूसरी फैमिली है। उसका आदत है। पुरानी आदत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम दिशांत अरोड़ा है और मैं रघु का किरदार
मैं रघु का किरदार निभा रहा हूँ और इसका पूरा नाम है रघुवीर रायचंद, जिसकी ये पत्नी है जानकी रायचंद। और इनकी स्टोरी कैसी है कि इनका एक बेबी होता है, जो बेबी चला जाता है, जो इनसे दूर हो जाता है। और बहुत अच्छी कहानी है। और कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो ये ऐसा इंसान है जो सबको साथ लेके चलता है, परिवार को साथ लेके चलता है, भले भाई उसका साथ दे ना दे, माँ उसका साथ दे ना दे, लेकिन सबको साथ लेके चलता है। उसे पता है कि कौन कैसा है। और जहाँ तक बात है बच्चे की, बच्चा दूर हो जाता है और उसे बीवी को भी संभालना है, उसे घर वालों को भी क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, उनके सवालों का जवाब देना है कि वो ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी मैच्योर लव स्टोरी है। और बस हम ढूंढ रहे हैं हमारी बेटी को, हम आई होप हमें जल्दी मिल जाए। आप बाकी आपने देखा ही ट्रेलर में। थैंक यू। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप सोचो ना, अगर रियल में किसी के साथ अगर ऐसा इंसिडेंट हो और फादर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब उसे पता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, उसे वो पहाड़ भी हिला सकता है, बट सरगम चांसेस ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसे सबको साथ लेके चलना है, उसे हौसला बना के चलना है, एक हिम्मत जो उसे भगवान दे रहा है आगे जाने की, बस उसी हिम्मत से वो चल रहा है। तो आई थिंक इन रियल लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कैरेक्टर को जब हम प्ले करते हैं तो उतना ही उस कैरेक्टर में उतरना पड़ता है, वो फील करना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ थिंग। सी मैं जब अपने डायरेक्टर से मिला था कौशिक जी से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सच्चाई में, जैसे आपने सवाल पूछा, अगर कुछ तेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो तू क्या करेगा। तो मैं अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, अगर आपके साथ ये सेम चीज़ हो तो आप क्या करेंगे, है ना। तो ये भी सोच नहीं सकता, लेकिन हिम्मत बना के चल रहा है, फैमिली को साथ लेके चल रहा है और एक होप में चल रहा है कि उसकी बीवी जो है वो ठीक है और जो उसका बच्चा है उसे वापस मिल जाएगा। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है तुषार काबले और मैं राकेश रायचंद प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि आपने प्रोमो देखा, पोस्टर देखा, मैं कहीं नहीं हूँ, इसलिए मुझे जानना है तो आपको शो देखना पड़ेगा। अपने कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इनका बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं। जैसे कि परिवार को लेके चलते हैं मेरे बड़े भाई, मैं सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपनी बीवी को लेकर चलता हूँ जो मेरे ठीक बाजू में बैठी है, और मैं इसी की बात मानता हूँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गाइस, तो आपको होप कि मेरा कैरेक्टर आप इन्जॉय करें, काफ़ी ग्रे या ये लाइक ही इज़ थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा सेल्फिश है जैसे मैंने अभी कहा, और लालची है, बहुत लालची है, बहुत सारा जोरू का गुलाम है। और अगर कैरेक्टर से नफरत कर रहे तो नफरत भी मिले चलेगा, लेकिन हाँ शो को प्यार मिले ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अलका है और मैं इस शो में उर्मिला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर है, जो कि आप सबकी फैमिली होगी, फैमिली में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसके मन में यू नो खुरापाती चलती है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, सारी चीज़ें मेरी हो जाए, मैं किसी को नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो, तो वैसी मैं। और प्रोमो में कहीं पर भी नहीं दिखी हूँ, पर मेरा पूरा कैरेक्टर देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा, और शो देखने के बाद आप रिलेट करोगे, अरे यार मेरे घर में भी ऐसी कोई, मतलब हमारे फैमिली मेंबर में ऐसे हर एक इंसान है, जो आपकी चाची हो, भाभी हो, आपकी बहन हो, रिलेट करोगे, अरे ये तो मेरी बहन जैसी है, ये मेरी चाची जैसी है। तो मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है, और अपने कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, अगर ज़्यादा बता दी तो आप लोग शो देखोगे नहीं। थैंक यू। मेरा नाम बोरवेन वकारे है, मेरा कैरेक्टर नेम है गमला, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमेडी कैरेक्टर है,
ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको इंग्लिश बोलने का शौक है बट ये बोल नहीं पाता है, तो ये थोड़ा बहुत ट्राई करता है इंग्लिश बोलने का, तो एक नॉर्मल छोटी टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है और ये बहुत कॉमेडी और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मतलब आप लोग पसंद करोगे मेरे कैरेक्टर को। थैंक यू। गमला गमला एक इंग्लिश में बहुत बोलते होता है। हेलो व्हाट डूइंग वी हाउ नेम यू आर What doing with Tulsi? Doing what you? नमस्ते, मेरा नाम काजल है और मेरा इसमें जो कैरेक्टर है वो है कजरी। एक ऐसी लड़की जो बचपन में ही बहुत बड़ी हो गई है, जो अपने घर का ध्यान रखती है, तुलसी का ध्यान रखती है। ये कैरेक्टर थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर है, एक्चुअली जब हम अपनी फैमिली से आकर दूर रहते हैं हम एनी विच वे ये कैरेक्टर को जीते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने मॉम डैड के साथ नहीं रह रहे हैं, खुद की लिविंग खुद देख रहे हैं। इवन जो लोग बस्ती में रहते हैं वो लोग ये चीज़ें स्टार्टिंग से देखना चालू कर देते हैं, जहाँ पर ना उनके पास मम्मी है ना डैडी है ना उन दोनों का प्यार है, फिर भी किस तरीके से वो अपने हर मोड़ पे खुद को हर परेशानियों से लड़ते हैं, जीते हैं। जब ये कैरेक्टर मुझे मिला, आई वॉज वॉचिंग वन मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर, इट वॉज सो रिलेटेबल एंड आई सो वॉन्टेड टू डू दिस कैरेक्टर। सॉरी मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्राई करूँगी बोलने का। इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ मुझे वो कैरेक्टर कि आई वॉज लाइक नहीं ये कैरेक्टर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में तुम वो नहीं जी पाते हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता तुम नॉर्मल लाइफ में सब कुछ जीते हो। ये पूरी स्टोरी तुलसी की तुम्हें वो वाली जगह भी दिखाएगी जहाँ पर एक बहुत भरा पूरा परिवार है जिसके पास बहुत पैसा है, वो लोग कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, और एक ऐसा परिवार जिसके पास कुछ भी नहीं है बट फिर भी कितने प्यार से बहुत साथ में रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल शेख है, थोड़ा सा मैं घबराया आप लोगों के साथ। एनीवेज मेरा कैरेक्टर जो है वो है बंटी का, उसका वो अकेला है तो इसीलिए बंटी के आगे पीछे भी कोई सरनेम नहीं है। सो बेसिकली जो वो अकेला है, वो बचपन से अकेला है, वो अनाथ है, उसके माँ बाप कौन है उसे ये पता नहीं है, इमोशनल है लेकिन वो बताता नहीं है। भूख जो होती है, भूख वो धूप जो हमें आती है वो भूख क्या होती है वो उसे पता है, और चांद तारे जो खिलौने होते हैं वो उसी को रात को समझता है। तो एक अनाथ बच्चा जो होता है वो कैसे बड़ा हुआ, और उसने देखा है कि दुनिया में ऐसे बहुत अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, तो वो अपने आप को उन सब में देखता है और वो जो भी बच्चा अनाथ होता है वो अपने साथ लेके चला जाता है कि मैं इसे अपनाऊंगा। इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन से हम लोग बचपन में बहुत सारे सब लोगों ने ये बहुत अच्छी फिल्म देखी होगी, दैट्स मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर। सो उसके डैड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन फिर भी वो एक अनाथ था और उसने अनाथ बच्चों को अपने साथ लेके वो चलता था। अगर वो इमोशनल है तो वो इमोशनल सबके सामने नहीं दिखाएगा, वो अकेला है और वो बस्ती में, जिस बस्ती में वो भला बड़ा है तो बस्ती को वो टूटने नहीं देगा क्योंकि वो उसका घर है। और उसका एक ही मोटो होता है कि अमीर है तो हम उसे क्यों ना लूटें और हम अपने पास क्यों ना रखें, मतलब वो खुद के पास नहीं रखना चाहता है, वो हर उस गरीब को मदद करना चाहता है। तो ये उसकी कहानी है, आगे चल के बंटी क्या करता है वो हम सब साथ में देखेंगे। थैंक यू सो मच। जी हाँ, क्या फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस बेटर ही होता जाता है क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हो, एक नई जर्नी की शुरुआत होती है और सब लोग अपने कैरेक्टर्स के ऊपर इनिशियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो आई थिंक एक दूसरे से उतना कॉन्वर्जेशन फर्स्ट डे नहीं होता जितना धीरे धीरे होने लगता है। एंड आई थिंक अभी वी ऑल आर अ फैमिली, वी फील लाइक अ फैमिली, और जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोग का सेट काफ़ी दूर है,
सो दिस इज द फैमिली जिसके साथ सबसे ज्यादा वक्त हम लोग बिता रहे हैं एंड आई थिंक शी हैज बिकम माई सच अ गुड फ्रेंड. तो बहुत मजा आ रहा है विद दिशांक. इट्स फर्स्ट टाइम दैट वी आर वर्किंग टुगेदर और उसकी और मेरी भी जो स्टोरी है वो बहुत ही इमोशनल एंड मैच्योर लव स्टोरी है कि कोई एक हस्बैंड कैसे अपनी ट्रॉमेटाइज्ड वाइफ का साथ निभाए जा रहा है, भले ही दुनिया उसके अगेंस्ट है पर वो कैसे फिर भी उसका साथ निभा रहा है और उसका साथ देना चाहता है. सो आई थिंक बस बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं कि मुझे इतने अच्छे क्वार्टर्स मिले हैं और इतनी अच्छी स्टोरी मिली है दंगल पर मिली है जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक मोस्ट वॉच चैनल स्पेशली ऑफ आर हिंदी बेल्ट है. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये शो करते हुए, इस चैनल पे करते हुए. हमारे डायरेक्टर कौशिक दा, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग नेम, जिस तरीके से वो इमोशंस निकालते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है. सो या मेरी नई फैमिली बनी ना, वेरी हैप्पी अबाउट इट. जी जगह बनाई थी बिल्कुल, ये तुलसी सबके दिलों में अपनी जगह बनाएगी 100%. क्योंकि एक तो ये छोटी बच्ची, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ फैबुलस एक्टर जो आप देख पाओगे जब आप शो देखना स्टार्ट करोगे. छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका है और स्टोरी लाइन भी ऐसी है कि कोई चाहकर भी एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो उससे कनेक्टेड ना फील करे. तो हम तो सिर्फ मैं बहुत इमोशनल हूँ एज